हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपन अपना फोटोसिंथेसिस का लेक्चर 2 देखते हैं। इसके अंदर देखिए कैरोटीनॉइड्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं उन्हें अपन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बोलते हैं और उन्हें एंटीना पिगमेंट्स बोलते हैं। और जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो फाउंड फ्रॉम द साइनोबैक्टीरिया टू द हायर प्लांट्स, मतलब साइनोबैक्टीरिया से लेकर हायर प्लांट्स तक कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इन्हें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्यों बोलते हैं, एंटीना पिगमेंट क्यों बोलते हैं, ये अपन आगे देखेंगे। अब देखिए इसकी नेचर देखते हैं, जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं उसकी नेचर कैसी होती है। कैरोटीनॉइड्स की नेचर कैसी होगी भाई, नेचर मतलब इनकी प्रकृति कैसी होती है। देखिए जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो 40 कार्बन, उनके अंदर क्या होती है 40 कार्बन की चेन प्रेजेंट होती है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। और क्या होगा इसके अंदर, इसकी नेचर होगी ऑब्वियसली हाइड्रोफोबिक होगी। और जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं उसका प्रीकर्सर मॉलिक्यूल क्या होगा, प्रीकर्सर मॉलिक्यूल फाइटोइन होगा। इसका फंक्शन क्या होगा, किस में हेल्पफुल होते हैं ये, लाइट हार्वेस्टिंग में, और क्या करते हैं ये, फोटो प्रोटेक्शन ऑफ द फोटो सिस्टम और क्रोमिक फोटो ऑक्सीडेशन, मतलब जो हायर ऑक्सीडेशन हो जाता है उससे जो डैमेज हो जाता है हायर लाइट से, जो भी हाई इंटेंसिटी की लाइट प्लांट्स के ऊपर पड़ती है तो उससे प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, ऑब्वियसली कैरोटीनॉइड्स प्रोवाइड करते हैं। अब आगे देखिए कैरोटीनॉइड्स बायोसिंथेसिस पाथवे, बायोसिंथेसिस पाथवे का मतलब है कि जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, उनका सिंथेसिस कैसे होता है, इसको अपन MEP पाथवे के द्वारा समझते हैं, इसको अपन कंप्लीट नहीं समझते। देखिए जो इसके अंदर मोस्टली पॉइंट होते हैं, जो मेन पॉइंट है वो समझते हैं। MEP पाथवे के अंदर सबसे पहले अपना क्या होगा, GGDP मतलब जिनाइल डाइफोस्फेट, इससे किसका फॉर्मेशन होगा भाई, इससे जो प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है अपना फाइटोइन उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट उससे किसका फॉर्मेशन होगा, जीटा कैरोटीन का फॉर्मेशन होगा। जीटा कैरोटीन के बाद में किसका फॉर्मेशन होगा, लाइकोपीन होगा, लाइकोपीन का फॉर्मेशन होगा। लाइकोपीन की सिस और ट्रांस दोनों पोजिशन होती है, उसका फॉर्मेशन होता है, बट आगे जाके मतलब ट्रांस से ही आगे जाके जो अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर मेनली बस ये चीज़ देखना है कि जो जिनाइल डाइफोस्फेट होता है उससे इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है फाइटोइन उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट जीटा कैरोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट लाइक अपना जीटा कैरोटीन के बाद में लाइकोपीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर बाद में क्या होगा, जो ट्रांसफॉर्म होगी लाइकोपीन की, उससे आगे जाके एक तो क्या हो जाएगा, डेल्टा कैरोटीन और एक बीटा कैरोटीन का फॉर्मेशन होगा। जो डेल्टा कैरोटीन है उसके द्वारा क्या बनेगा भाई, जियाजेंथिन बनेगा, मतलब जो जैंथोफिल कंपाउंड्स है उनका फॉर्मेशन होगा। और जो बीटा कैरोटीन है उनके द्वारा जियाजेंथिन, वायलोजेंथिन, इन सब का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे देखिए जो कैरोटीन होते हैं उसको अपन मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं कैरोटीनॉइड्स को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो क्या हो जाएगा कैरोटीन और दूसरा क्या हो जाएगा अपना जैंथोफिल। कैरोटीन के अंदर कौन कौन से आएंगे, अपना जीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, डेल्टा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन एंड बीटा कैरोटीन। और जो जैंथोफिल्स हैं उनके अंदर क्या आएंगे, एक तो ल्यूटीन हो जाएगा, एक जियाजेंथिन, वायलोजेंथिन। जो जैंथोफिल होते हैं वो क्या होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं उन्हीं के ही हाइड्रोक्सीलेटेड, मतलब उनके अंदर अपन अगर OH ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सिल आयन जोड़ दें तो वो क्या बन जाएंगे भाई, जैंथोफिल बन जाएंगे। मतलब कैरोटीनॉइड्स की डिराइड फॉर्म क्या होती है, जैंथोफिल होती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पर देखिए बीच में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे PSY फाइटोइन सिंथेसिस हो जाएगा, PDS है वो फाइटोइन डाइसैचुरेज हो जाएगा, LCY लाइकोपिन, लाइकोपिन टमाटर में प्रेजेंट होता है, लाइकोपिन साइक्लेज हो जाएगा। और कौन कौन से होंगे भाई, यही है मेनली। अब आगे देखिए सिंथेसिस समझ में आ गया, सिंथेसिस के अंदर सिर्फ इतना देखना है, MEP पाथवे के अंदर सिर्फ इतना देखना है कि जिनाइल डाइफोस्फेट से अपना प्रीकर्सर मॉलिक्यूल फाइटोइन बन जाएगा, फाइटोइन से बाद में जीटा कैरोटीन बन जाएगा, जीटा कैरोटीन से जो लाइकोपीन है उसके ट्रांसफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो ट्रांसफॉर्म है उससे फिर बाद में अपने जो जैंथोफिल कंपाउंड है उनका फॉर्मेशन हो जाता है, ल्यूटीन का फॉर्मेशन हो जाता है, और इधर जियाजेंथिन और वायलोजेंथिन का फॉर्मेशन हो जाता है। जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं उनको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो अपना कैरोटीन हो जाएगा, दूसरा अपना जैंथोफिल हो जाएगा। कैरोटीन के मेनली कैरोटीन के अंदर ये आते हैं अल्फा बीटा और डेल्टा कैरोटीन, लाइकोपिन और जीटा कैरोटीन। और जैंथोफिल के अंदर ल्यूटीन, जियाजेंथिन, वायलोजेंथिन और हाइड्रोक्स, इन सबको अपन क्या बोलते हैं, जैंथोफिल को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिलेटेड कैरोटीन बोलते हैं।
अब आगे देखिए, अब देखेंगे हाउ प्लांट कोप अप विद हाई इंटेंसिटी, मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो हाई इंटेंसिटी से खुद को कैसे बचाते हैं। भाई जब प्लांट्स के ऊपर मतलब ज़्यादा हाई अमाउंट में लाइट इनके ऊपर क्या होती है, गिरती है, मतलब हायर सनलाइट के अंदर, ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट के अंदर प्लांट खुद को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं उसके अंदर, उसमें अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो उसमें हेल्पफुल होते हैं। अब कैसे हेल्पफुल होते हैं अपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, अब अपन उसको डिटेल से समझते हैं। देखिए जैसे ही हाई इंटेंसिटी की लाइट प्लांट्स के ऊपर गिरती है तो फिर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो जाएगी, है ना। कुछ लाइट तो उसके फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज़ हो जाएगी, बट और भी लाइट मतलब हाई इंटेंसिटी की लाइट प्लांट्स के ऊपर गिरी थी कुछ अमाउंट में तो फोटोसिंथेसिस के अंदर यूटिलाइज हो गई, बट जो एक्स्ट्रा लाइट बच गई है उसका क्या होगा। देखिए फर्स्ट लाइन डिफेंस, मतलब प्लांट्स खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, खुद का डिफेंस करते हैं, उस नंबर वन पे आता है फर्स्ट लाइन डिफेंस। इसके अंदर अपनी दो आती हैं, एक तो जैंथोफिल साइकिल और दूसरी आती है थर्मल डिसिपिएशन। जैंथोफिल साइकिल को अपन आगे डिटेल से समझेंगे। थर्मल डिसिपिएशन का मतलब क्या है भाई, लॉस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, मतलब हीट की फॉर्म में एनर्जी को लॉस करना। सपोज करो जब तवे पर से अपन रोटी उतारते हैं तो उसको क्या करते हैं, अपन दोनों हाथों पे कभी साथ पे कभी साथ पे लेके जाते हैं, एंड किस लिए, ताकि जो एनर्जी है वो क्या हो जाए, लॉस हो जाए हीट को कम करने के लिए। तो थर्मल जो डिसिपेशन है उसका भी सेम मीनिंग है, मतलब लॉस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में एनर्जी को लॉस करना। और इसे क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है उसे नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग बोलते हैं। नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग क्यों बोलते हैं, देखो इसको समझने से पहले अपने को समझना पड़ेगा कि फोटोकेमिकल क्वेंचिंग क्या होता है। फोटोकेमिकल क्वेंचिंग मतलब जिसके अंदर फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कुछ मॉलिक्यूल से फूड का फॉर्मेशन हो रहा है लाइट की प्रेजेंस में, उसे तो क्या बोल देंगे अपन, फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। तो अपन बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर फूड का फॉर्मेशन होता है, सो वी कैन से दैट फोटोसिंथेसिस इज अ फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। यहाँ पर नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग के अंदर क्या फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, नो यहाँ पर नहीं हो रहा। दैट्स वाई जो फर्स्ट लाइन डिफेंस होती है उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। मतलब केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, दैट मीन्स दैट इज फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। एंड इफ देर इज़ अ नो फॉर्मेशन ऑफ एनी केमिकल कंपाउंड, दैट मीन्स दिस इज़ अ नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग। अभी देखिए कुछ अमाउंट में इधर लाइट आई तो कुछ किस में, यहाँ पर किस में चली गई, नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग में, बट अभी भी लाइट है वो मतलब बहुत हाई अमाउंट में आई थी, बट अभी भी और भी लाइट है वो बच गई। अब वो लाइट और बच गई उसका क्या होगा, देखो उससे प्लांट, अगर वो लाइट प्लांट के ऊपर गिर गई तो क्या होगा भाई, प्लांट खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे तो प्लांट्स की डेथ हो जाएगी। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको उनकी बॉडी के अंदर कुछ ये सिस्टम होते हैं, उनको मैनेज करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग करना पड़ेगा। फिर भी अगर लाइट और भी ज़्यादा मतलब और भी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की है, प्लांट्स खुद को प्रोटेक्ट इससे भी नहीं कर पा रहे हैं नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग से, तो फिर आगे कौन सी रिएक्शन होगी। यहाँ पर देखिए आगे अपन ने पढ़ा था ट्रिपलेट स्टेट क्लोरोफिल ए, याद है स्टार्टिंग में पढ़ा था ट्रिपलेट स्टेट क्लोरोफिल ए, मतलब जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल ट्रिपलेट स्टेट में आ जाएंगे, और जो ऑक्सीजन होती है उसके सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीजन के सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और OH आयंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब इन सब में क्या हो रहा है, यहाँ पर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज इन सब का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन सॉरी O3 नॉट फॉर्मड इन प्लांट, यहाँ पर ये फॉर्म नहीं हो रही है। आगे देखिए मतलब स्टार्टिंग में क्या करेंगे, वो नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग करेंगे, उससे भी प्लांट खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी लाइट इंटेंसिटी इतनी हाई है कि खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। तो सेकंड डिफेंस, सेकंड नंबर पे क्या करेंगे, वो जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है उनका यूज़ करेंगे। अभी मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का यूज़ भी हो गया, बट फिर भी मतलब प्लांट्स हो रहे हैं वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, इसलिए अपना सेकंड आता है अभी सेकंड लाइन डिफेंस। मतलब सेकंड लाइन डिफेंस इसमें क्या होगा, जो प्लांट्स होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं प्लांट्स, कैसे यूज़ करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर देखिए कुछ बीटा कैरोटीन, एस्कोर्बिक एसिड, टोकोफिरोल और कुछ एसओडी रिड्यूस्ड जो है वो रिड्यूस्ड ग्लूटाथायरोन और एंथोसाइनिन, इन सब का फॉर्मेशन होगा। एंटीऑक्सीडेंट मतलब वापस से देखिए, एक तो बीटा कैरोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, एस्कोर्बिक एसिड मतलब
भाई विटामिन सी, और टोकोफेरोल मतलब विटामिन ई, एसओडी मतलब सल्फर ऑक्साइड, डिसम्यूटेज का फॉर्मेशन हो जाता है, और रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन का फॉर्मेशन हो जाए, और एंथोसाइनिन का फॉर्मेशन हो जाए, मतलब सेकेंड लाइन डिफेंस में इन सभी जो ये केमिकल्स हैं इनका फॉर्मेशन हो जाता है। फिर भी क्या हो रहा है भाई, ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, एक स्कैनजिंग सिस्टम की तरह वर्क कर रहे हैं, बट अभी दिस इज ऑल्सो नॉट सफिशियंट, अभी ये भी सफिशियंट नहीं है, सेकेंड लाइन डिफेंस है ये भी सफिशियंट नहीं है, तो अभी भी लाइट है वो, मतलब इसमें लाइट यूज़ हो गई बट अभी भी लाइट है वो बच रही है। अब क्या करेंगे भाई प्लांट्स, अब प्लांट्स क्या करेंगे लास्ट में, अभी वो क्या करेंगे, D1 प्रोटीन का यूज़ करेंगे। देखिए D1 प्रोटीन का यहाँ पर क्या होगा, जो जैसे लाइट इनके ऊपर गिरती है, मतलब जैसे हाई इंटेंसिटी की लाइट प्लांट्स के ऊपर गिरती है, तो क्या होगा भाई, जो D1 प्रोटीन है वो प्लांट्स में डैमेज होने लग जाती है। अब इसको अपन समझेंगे कि सपोज करो जंगल में शेर आ गया, उस पूरा अपना पूरी फैमिली वहाँ पर गई हुई है, तो फिर बाद में क्या करेंगे उन, आप लोग ये बताओ कि शेर के सामने कोई बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी एज हो चुकी है उसको उसके सामने फेस करना सही होगा, या फिर सभी मर जाओ एक साथ, एक की जान बच रही है तो वो तो बेटर है ना। तो इसलिए ये क्या करते हैं, यहाँ पर D1 प्रोटीन है उसको डैमेज करवा देते हैं, उसको अपन D1 प्रोटीन को डैमेज कराएंगे तो बाकी अपना जो प्लांट है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इसलिए D1 प्रोटीन को डैमेज करवा देते हैं अपन, उससे क्या होता है जो D1 प्रोटीन होती है वो टर्नओवर, इसकी जो टर्नओवर होती है वो हाई होती है, मतलब ये एक बार डैमेज होने के बाद फिर से फॉर्मेशन हो जाता है, 30 मिनट्स में वापस से फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे D1 प्रोटीन होती है वो डैमेज होगी तो फिर बाद में फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, मतलब फोटो इनहिबिशन हो जाता है। क्लियर है ये, प्लांट्स हाई इंटेंसिटी से खुद को कैसे डिफेंस कराते हैं, कैसे बचाते हैं, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब देखिए आगे पढ़ते हैं अपन, अब मैंने पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को बताया दैट फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट लाइन डिफेंस के अंदर एक तो जैंथोफिल साइकिल यूज़ होती है, अभी जैंथोफिल मैंने बोला था कि इसको अपन डिटेल से आगे समझते हैं, अब अपन पढ़ते हैं जैंथोफिल साइकिल। देखिए जैंथोफिल साइकिल क्या होती है भाई, जैंथोफिल साइकिल ओकर्स वेन एनी प्लांट इज इन हाई लाइट इंटेंसिटी, मतलब जब भी कोई प्लांट हाई लाइट की इंटेंसिटी क्या करता है, सहन करता है, तभी जैंथोफिल साइकिल होती है, और ओकर्स इन द थायलोकोइड मेम्ब्रेन, और ये जो ये प्रोसेस है जैंथोफिल साइकिल ये कहाँ पर संपन्न होती है, थायलोकोइड है उसकी मेम्ब्रेन के अंदर कंप्लीट होती है, और क्या करता है ये भाई, प्रोटेक्शन फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनको डैमेज होने से क्या करते हैं, बचाते हैं, ऑल्सो कॉल्ड नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग, और क्या बोलते हैं इसको, नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अभी देखिए जैंथोफिल साइकिल के अंदर क्या होता है, अब भाई प्लांट को कैसे पता चलेगा कि हाई लाइट की इंटेंसिटी हो रही है, कि उसके ऊपर हाई लाइट गिर रही है, थायलेकोइड को कैसा कैसे पता चलेगा, थायलेकोइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती ना, देखिए ये अपनी कोई थायले, ये इधर देखिए थायलेकोइड मेम्ब्रेन है, बाहर वाला पार्ट कौन सा होगा, स्टोमा, ऑब्वियसली अंदर वाला क्या होगा, ह्यूमन, इधर देखिए ये क्या हो जाएगा, स्टोमा एंड दिस वन इज ह्यूमन, और फिर बाद में ये अंदर वाला पार्ट हो जाएगा उसका, देखिए इधर जैसे ही लाइट इंटेंसिटी क्या होगी, हाई होगी प्लांट के ऊपर, उसका जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा, मतलब जैसे ही एसिडिक नेचर होता है उसका पीएच 5.2 के समथिंग आ जाता है, फिर बाद में क्या होगा, यहाँ पर जो वाइलोजैंथिन है, वाइलोजैंथिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंथ्रोजैंथिन है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिर बाद में जो एंथ्रोजैंथिन किसकी प्रेजेंस में होगा, यहाँ पर VDE की प्रेजेंस में होगा, ठीक है, वाइलोजैंथिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, एंथ्रोजैंथिन के अंदर, VDE की प्रेजेंस में, VDE की फुल फॉर्म क्या होगी, वाइलोजैंथिन डी पॉक्सीडेज, ठीक है, VDE मतलब वाइलोजैंथिन डी एपोक्सीडेज हो जाएगा, फिर बाद में जो एंथ्रोजैंथिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जियाजैंथिन में, किसकी प्रेजेंस में, वही वाइलोजैंथिन डी एपोक्सीडेज की प्रेजेंस में, फिर बाद में क्या होगा भाई, उसका पीएच इंक्रीज हो जाएगा, पीएच 7 हो जाएगा, फिर बाद में क्या होगा, तो जियाजैंथिन है वो वापस में जियाजैंथिन एपोक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में एंथ्रोजैंथिन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड जो एंथ्रोजैंथिन है वो जियाजैंथिन वापस में जियाजैंथिन एपोक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में वापस में अपना वाइलोजैंथिन की पोजीशन वापस से ले लेता है। जैंथोफिल साइकिल क्लियर है आई होप,
इसमें क्या होता है, वायलोजैंथिन एंथोजैंथिन में कन्वर्ट हो जाता है, एंथोजैंथिन होता है वो जियाजैंथिन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर बाद में जैसे पीएच 7 होता है मतलब पीएच बढ़ता है, फिर बाद में जियाजैंथिन होता है वो एंथ्रोजैंथिन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड एंथ्रोजैंथिन इज कन्वर्टेड इनटू वायलोजैंथिन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे देखिए, अब अपन पढ़ते हैं फाइकोबिलिन्स के बारे में। फाइकोबिलिन्स देखिए क्या होते हैं, फाइकोबिलिन्स क्या होंगे भाई, एल्गल पिलामेंट्स, सॉरी एल्गल पिगमेंट्स होते हैं, मतलब एल्गे के अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होंगे, कैरोटीनॉइड्स। अपन ने पिगमेंट पढ़ लिया, अपन पिगमेंट ही पढ़ रहे हैं अभी, फाइकोबिलिन है, दिस इज ऑल्सो अ पिगमेंट, एल्गल पिगमेंट होगा ये, और ये क्या होगा भाई, वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा, और किसके अंदर प्रेजेंट होता है, स्टार्टिंग में टेबल पढ़ी थी, लास्ट के अंदर फाइकोबिलिन से थे, याद हो तो। थर्ड देखिए, इसके अंदर फाउंड इन रोडोफाइटा साइनोबैक्टीरिया, मतलब एक तो रोडोफाइटा में प्रेजेंट होता है और दूसरा ये साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑब्वियसली कहाँ होगा ये, स्टोमा के अंदर प्रेजेंट होगा। जो फाइकोबिलिन होता है उसको टू पार्ट्स में अपन डिवाइड कर लेते हैं, एक तो क्या हो जाएगा फाइको इरीथ्रीन और दूसरा क्या हो जाएगा फाइको साइनिन। जो फाइको इरीथ्रीन है वो क्या होगा भाई, उसका मतलब मोस्टली रेडिश होगा एंड दिस इज ब्लूइश। इसके अंदर फेरस कंपाउंड और इसके अंदर क्या होगा कॉपर कंपाउंड अधिकता में। आगे देखिए, अभी पिगमेंट्स देखिए, इधर देखिए अपना जो क्लोरोफिल ए है उसकी अपन ने यहाँ पर पीक्स देख ली थी, 449 नैनोमीटर थी और दूसरी 660 नैनोमीटर थी। क्लोरोफिल बी की भी देख ली थी अपन ने, कैरोटीनॉइड की देखो, कैरोटीनॉइड की देख ली थी 449 नैनोमीटर टू 470 नैनोमीटर। अभी ये देखिए फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स टू टाइप्स के थे, फाइको इरीथ्रीन और फाइको साइनेनिन। फाइको इरीथ्रीन की थ्री पीक्स आती हैं, 490 नैनोमीटर, 546 नैनोमीटर, 576 नैनोमीटर, और फाइको साइनेन की ओनली वन पीक आती है एंड दैट इज 618 नैनोमीटर। जो बैक्टीरिया क्लोरोफिल होता है उसकी ये टू पिक्स हैं और क्लोरोबियम क्लोरोफिल होती है उसकी ये टू पिक्स हैं। अब देखिए इसको अपन बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ समझते हैं। अभी देखिए विजिबल स्पेक्ट्रम, एज यू नो पहले भी पढ़ा था अपन ने, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर पढ़ा था। अब आगे देखिए, इधर देखिए एज अभी मैंने क्या बताया, कैरोटीनॉइड होती हैं उसकी ये वाली पिक्स थी, जो फाइको इरीथ्रीन है उसकी थ्री पिक्स थी, दिख रही है डायग्राम के अंदर थ्री पिक्स, और फाइकोसाइनिन की, फाइको इरीथ्रीन इसके अंदर थ्री 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 आ रहा है ना लास्ट में थ्री की साउंड, तो मतलब फाइको इरीथ्रीन की कितनी पिक्स होंगी, थ्री पिक्स होंगी, फाइकोसाइनिन की ओनली वन पिक होगी, कैरोटीनॉइड की ये टू पिक्स होंगी। बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ यू कैन ईजिली फाइंड आउट द वेवलेंथ। देखिए अभी, अब अपन आगे अब पढ़ते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी भाई, क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, फोटोसिंथेटिक अपार्टस। देखिए क्लोरोप्लास्ट होता है वो एक सेमी ऑटोनोमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल्फ ऑर्गन सेल ऑर्गेनल होता है, सेमी ऑटोनोमस होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, मतलब खुद का इसके अंदर क्या प्रेजेंट होएगा, डीएनए प्रेजेंट होएगा, और इसे सेल्फ इसीलिए इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। और एक क्या होता है इसकी स्ट्रक्चर देखिए, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जो बाहर वाली जो इसकी मेम्ब्रेन है उसको आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है उसको इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, उस स्पेस को क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। अभी अंदर ये जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज स्टोमा। इधर देखिए, इधर ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, मतलब सिक्कों की तरह एक के ऊपर एक सिक्का, उसके ऊपर दूसरा सिक्का, ऐसे सिक्कों के चट्टों के रूप में, मतलब स्टैक्स ऑफ कॉइन्स, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे भाई, इधर एक वाली इसको क्या बोलेंगे, थाइलेकोइड बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, थाइलेकोइड बोलेंगे। और बहुत ज़्यादा जब स्टैक्स, मतलब बहुत ज़्यादा स्टैक्स होते हैं वो एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे। इस एक को क्या बोलेंगे, थाइलेकोइड डिस्क बोलेंगे, और इस कंप्लीट को क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे। इसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, मतलब खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, होता है नहीं होता, होता है, राइबोसोम होता है, 70S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट होगा। अभी देखिए जो थाइलेकोइड डिस्क है, मतलब जो ग्रेना है आपस में कनेक्ट है, कनेक्ट किसके द्वारा कनेक्ट है, ये स्टोमल लैमेली के द्वारा कनेक्ट है। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है वो क्या अंदर वाला पार्ट हो जाएगा स्टोमा, और इधर ये थाइलेकोइड, थाइलेकोइड के अंदर लाइट रिएक्शन होती है एंड स्टोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होती है। ये क्या होगी इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एज यू नो दैट दिस इज ग्रीन इन कलर, कैसा होता है ये, ग्रीन होता है कलर में, होता है नहीं होता। और एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग सेल ऑर्गेनल, एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग सेल ऑर्गेनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आगे देखिए, अब अपन आगे पढ़ते हैं आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन,
आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है भाई, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी आउटर मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक इन नेचर होती है। यूकैरियोटिक कैसे होती है, ये डाइवर्सिटी के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें क्या यूकैरियोटिक क्यों भाई, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल ने क्लोरोप्लास्ट को क्या किया था, इंगल्फ किया था एंडोसाइटोसिस के द्वारा, किया था या नहीं किया था। अब देखिए यूकैरियोटिक नेचर होती है, हाईली परमेबल होती है, मतलब ये क्या होती है, परमेबल बैरियर शो नहीं करती है, ये हाईली परमेबल होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोरिंस। इसके अंदर जो पोरिन होती है वो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, इसलिए क्या होती है, हाईली परमेबल होती है। जो इनर मेम्ब्रेन होगी किसकी, क्लोरोप्लास्ट की, वो कैसी होगी, प्रोकैरियोटिक इन नेचर। उसकी नेचर कैसी होगी, प्रोकैरियोटिक होगी, और ये क्या होगी, सेलेक्टिवली परमेबल होगी। इसके अंदर पोरिन प्रोटीन अब्सेंट होती है, ये क्या होती है, सेलेक्टिवली परमेबल। अब थर्ड आती है अपनी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन इन ओरिजिन। देखिए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होकर, मतलब लाइट रिएक्शन कहाँ पर होगी, थाइलेकोइड के अंदर लाइट रिएक्शन प्रेजेंट होगी। अब देखिए थाइलेकोइड का फॉर्मेशन कैसा होता है, ये देखिए एक बार थाइलेकोइड का फॉर्मेशन, इधर देखिए ये जो इनर मेम्ब्रेन दिख रही है किसकी, क्लोरोप्लास्ट की, ये अंदर की ओर इन्वेजिनेट हो जाती है, क्या हो जाती है, अंदर की ओर इन्वेजिनेट हो जाती है, इधर दिख रही है, और एक स्टैक का फॉर्म ले लेती है, एक स्टैक का फॉर्म ले लेती है। यहाँ पर एक प्रेजेंट होती है VIPP1, ठीक है, इसको अपन आगे पढ़ेंगे। अंदर की ओर इन्वेजिनेट हो जाती है और इस स्टैक का फॉर्म ले लेती है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, थाइलेकोइड डिस्क बोलते हैं, ठीक है। इधर ये वाली देखिए, जो इसे क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड डिस्क बोलते हैं। ऐसे होते हैं थाइलेकोइड डिस्क का फॉर्मेशन। आगे देखिए, अभी यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर, एक अपनी VIP, ये VIP1 इसको ऐसे बोल देते हैं, बट एग्जैक्टली ये VIPP1 होती है, ठीक है। VIPP1 मतलब यहाँ पर क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ थाइलेकोइड डिस्क, मतलब ये क्या करती है, थाइलेकोइड डिस्क का सिंथेसिस करती है। वेसिकल इंड्यूसिंग प्रोटीन फर्स्ट, मतलब ये क्या होगी, वेसिकल इंड्यूसिंग प्रोटीन होगी, होगी या नहीं होगी, वेसिकल इंड्यूसिंग प्रोटीन। और VIPP1 इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस इज वेसिकल इंड्यूसिंग प्रोटीन इन प्लाज्मिड 1, ठीक है, प्लाज्मिड 1 के अंदर वेसिकल इंड्यूसिंग प्रोटीन होती है। नेक्स्ट देखिए, अभी ये क्या करती है भाई, कंटेन ऑल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो सारे कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, थाइलेकोइड के डिस्क पर प्रेजेंट होंगे। PS1 एंड PS2, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द थाइलेकोइड डिस्क। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी थाइलेकोइड डिस्क पर प्रेजेंट होंगे। जेंथोफिल साइकिल इज ऑल्सो हेल्ड ऑन द कहाँ पर होती है, थाइलेकोइड डिस्क के ऊपर। अब अपना नेक्स्ट पार्ट आता है स्टोमा, स्टोमा लिक्विड पार्ट, जहाँ पर डार्क रिएक्शन होती है, लिक्विड पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज स्टोमा, डार्क रिएक्शन होती है, और स्टोमा के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, अपना नहीं क्लोरोप्लास्ट का। अब आता है सर्कुलर DNA, अब देखिए यहाँ पर सर्कुलर DNA, उसका क्लोरोप्लास्ट होता है उसके पास खुद का DNA प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए क्या क्या एनकोड्स करता है, सर्कुलर डीएनए के अंदर यहाँ पर क्या होगा भाई, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, PSBA, PSBBD, RBCL, VIPP1, ये सारे कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सब स्टोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और स्टोमा के अंदर भी कहाँ पर, सर्कुलर डीएनए इन सबको एनकोड्स करता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, PSBA मतलब ये क्या है, डी वन प्रोटीन अपन ने पढ़ा था, डैमेजिंग एंडोल याद है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जो PSB जो डी है वो D2 प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, RBCL ये क्या होती है, जो लार्ज सब यूनिट होती है किसकी, रूबिस्को की, और ये VIPP1 ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, ये क्या होती है भैया, वेसिकल इंड्यूसिंग प्रोटीन इन प्लाज्मिड 1। आगे देखिए, अब आता है अपना ग्रेना, मतलब जब मैंने जो थाइलेकोइड डिस्क आपस में क्या हो जाती हैं, आपस में जैसे एक के ऊपर एक सिक्का रखा जाता है, स्टैक्स ऑफ कॉइंस, सो इन द सेम वे मैनी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, एक के ऊपर एक थाइलेकोइड, उसके ऊपर दूसरी तीसरी, ऐसे जैसे स्ट्रक्चर बनती है उसे क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे, देख रहे हो आप लोग यहाँ पर। अब देखिए इसको भी, ग्रेना के अंदर भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो क्या होगा जो स्टोमा के कांटेक्ट में होगा, मतलब ये सारा पार्ट स्टोमा के कांटेक्ट में होगा उसे तो क्या बोलेंगे भाई, जो स्टोमा के कांटेक्ट में होगा उसे क्या बोलेंगे अपन, नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे उसे, नॉन अप्रेस्ड रीजन बोल देंगे, और जो रीजन स्टोमा के कांटेक्ट में नहीं है ये अंदर वाला उसे क्या बोलेंगे, अप्रेस्ड मेम्ब्रेन, क्या बोल देंगे उसे, अप्रेस्ड मेम्ब्रेन बोल देंगे, नॉट इन कॉन्टैक्ट विद स्टोमा,
ये क्या होता है, जो ऑप्रेस्ट रीजन होता है वो स्टोमा के कॉन्टैक्ट में नहीं होता है। और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होंगे, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड, एटीपी सिंथेस, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन और जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों क्या होंगे, ये प्रेजेंट होंगे। अब इसका इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे अपन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे प्रेजेंट है ये देखिए। थाइलेकोइड के अंदर इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, देखिए पीएस सेकंड होता है, जो पीएस सेकंड होगा वो अप्रेस्ड रीजन के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होगा, हो गया नहीं होगा अप्रेस्ड रीजन। पीएस फर्स्ट होगा वो स्टोमा के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होगा, स्टोमा। साइटोक्रोम B6F, ये तो दोनों 50-50 है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड, ये अप्रेस्ड रीजन के अंदर 90% होगा। एटीपी सिंथेस, ये स्टोमा के अंदर 100% होगा। प्लास्टोसाइनिन, ये भी स्टोमा रीजन के अंदर 60% होगा। अब देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, अप्रेस्ट रीजन के अंदर कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रेजेंट है भाई, एक तो अपना पीएस सेकंड है ये और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मतलब पीएस सेकंड और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड, ये दोनों क्या है, मोर अमाउंट में प्रेजेंट है। नॉन अप्रेस्ड रीजन यहाँ पर जो बच गए वो आ जाएंगे पीएस फर्स्ट, एटीपी सिंथेस और प्लास्टोसाइनिन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब अपना एक एंजाइम आता है रूबिस्को, इसको देखिए ध्यान से समझते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रूबिस्को एंजाइम, रूबिस्को इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होगी, राइबुलोज बीस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, मतलब राइबुलोज बीस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। ये क्या होता है, मल्टी सब यूनिट एंजाइम है ये, मल्टी सब यूनिट मतलब इसकी 16 सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, 16 सब यूनिट प्रेजेंट होंगी इसकी। देखिए जो इसकी मल्टी सब यूनिट ये एंजाइम होता है कौन, रूबिस्को, 16 सब यूनिट होती हैं, 8 सब यूनिट होंगी वो क्या होंगी स्मॉल, और 8 सब यूनिट क्या होंगी लार्ज होंगी, जिसे RBCS बोल देंगे, और इस जो लार्ज सब यूनिट है उसे RBCL बोल देंगे। जो स्मॉल सब यूनिट होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगी, न्यूक्लियस के अंदर, और इसे क्या बोलेंगे, रेगुलेटरी सब यूनिट बोलेंगे, मतलब किसको रेगुलेट करना है, किसको रोकना नहीं रोकना, ये कौन डिसाइड करेगी, स्मॉल सब यूनिट। और ये कहाँ प्रेजेंट होगी भाई, लार्ज वाली क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होगी, और कैटालिटिक इसकी एबिलिटी होगी, ठीक है। ये देखो अंदर वाली क्या हो जाएगी, इधर कैटालिटिक एबिलिटी, और ये रेगुलेशन का काम कौन करेगी भाई, स्मॉल सब यूनिट करेगी। अब आगे देखिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रूबिस्को, रूबिस्को के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे फॉर्म वन, देखिए फॉर्म वन जो फॉर्म फर्स्ट ये मेनली फोर फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं, किसकी, रूबिस्को की, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। देखिए यहाँ पर सब यूनिट और यहाँ पर लार्ज स्मॉल, और ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए। जो रूबिस्को होता है उसकी जो सब यूनिट्स होंगी वो क्या होंगी, L8S8, मतलब लार्ज सब यूनिट क्लोरोप्लास्ट के अंदर और स्मॉल सब यूनिट न्यूक्लियस के अंदर। एग्जाम्पल फॉर्म फर्स्ट ग्रीन प्लांट्स, यहाँ पर फॉर्म फर्स्ट दो बार लिखा है, क्यों लिखा है उसको देखिएगा। फॉर्म फर्स्ट होती है उसकी वापस कौन सब यूनिट होगी, L8S8, लार्ज सब यूनिट वही क्लोरोप्लास्ट के अंदर और स्मॉल, सॉरी लार्ज सब यूनिट क्लोरोप्लास्ट के अंदर और स्मॉल सब यूनिट दैट इज ऑल्सो इन क्लोरोप्लास्ट। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इस यहाँ पर इसके एग्जाम्पल क्या थे, ग्रीन प्लांट्स के अंदर, और इसके एग्जाम्पल हायर प्लांट्स से ले अपन देख रहे हैं, इसके हायर प्लांट्स से देख रहे हैं इसको, जैसे कि रेड और ब्राउन एल्गे, ठीक है। अब देखिए फॉर्म सेकंड L2N, मतलब लार्ज सब यूनिट है वो N, मतलब N फॉर्म में हो सकती हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे भाई, प्रोटोबैक्टीरिया हो जाएंगे, डायनोफ्लेजलेट्स हो जाएंगे। फॉर्म थर्ड मतलब यहाँ पर जो लार्ज सब यूनिट होती है उसकी 5-5 फॉर्म प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आर्किया हो जाएगा। फॉर्म फोर्थ न्यूक्लियस के अंदर, और एग्जाम्पल हो जाएगा आर्किया, डायनोफ्लेजलेट्स और एल्गे। आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे देखिए, अब आगे अपन पढ़ते हैं फोटोसिस्टम के बारे में। फोटोसिस्टम एक इम्पॉर्टेंट है। देखिए फोटोसिस्टम, इधर ये देखिए, इस यहाँ पर बीच में क्या होगा, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा, जिसे अपन क्या बोलेंगे भाई, रिएक्शन सेंटर बोलेंगे। यहाँ पर ये साइड में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें क्या बोलेंगे, एंटीना पिगमेंट बोलेंगे। एंटीना पिगमेंट क्या होते हैं, जैसे ही लाइट पड़ेगी, किसके ऊपर पड़ेगी भाई, लाइट, इनके ऊपर लाइट पड़ेगी, ये क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल से लाइट दूसरे मॉलिक्यूल पर जाएगी, दूसरे से तीसरे पर जाएगी, और फिर बाद में ये कहाँ लाइट को कहाँ पहुँचाएंगे, रिएक्शन सेंटर तक पहुँचाएंगे। कौन पहुँचाएंगे, एंटीना पिगमेंट। तो एंटीना पिगमेंट का फंक्शन क्या हो जाएगा, दैट दे एक्ट एज अ लाइट एनर्जी मतलब ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक, दूसरे मॉलिक्यूल से तीसरे मॉलिक्यूल तक, और फिर बाद में वो लास्ट में कहाँ पहुँचा देते हैं लाइट को,
रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए तक, ठीक है। अब ये बीच वाला क्या हो जाएगा, रिएक्शन सेंटर हो जाएगा क्लोरोफिल ए। ये क्या करते हैं भाई, ये क्या होते हैं, एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर पी एस फर्स्ट और पी एस सेकेंड, पी एस फर्स्ट के अंदर कितनी नैनोमीटर की लाइट को सेंस किया जाता है, 700 नैनोमीटर। पी एस सेकेंड के अंदर 680 नैनोमीटर की लाइट को सेंस किया जाता है। आगे देखिए, अब अपन डिटेल से पढ़ते हैं इसको। एंटीना कॉम्प्लेक्स, एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या आएगा, क्लोरोफिल बी आ जाएगा, कैरोटीनॉइड्स आ जाएंगे और प्रोटीन आ जाएंगे, ठीक है। एंटीना कॉम्प्लेक्स है उनके अंदर ये सब आ जाएंगे। अब आता है रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर के अंदर तो ऑब्वियसली बात है, एक तो क्लोरोफिल ए ही होगा मेन, तो और ये अपने फोटोसिस्टम हो जाएंगे और इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। और एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर एक एलएचसी होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। एक तो क्या होगा, एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर ये सब हो जाएंगे, और ये सब मतलब क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, प्रोटीन, और क्या होगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। सो आई टेल यू दैट जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, दैट इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एलएचसी फर्स्ट एंड एलएचसी सेकंड। जो एलएचसी फर्स्ट होता है उसकी कैसी फॉर्म होगी, डाइमेरिक फॉर्म। एलएचसी सेकंड है उसकी कैसी फॉर्म होगी, ट्राइमेरिक फॉर्म। देखिए डाइमेरिक फॉर्म, डाइमेरिक फॉर्म उसकी जो एक मोनोमर यूनिट ले लो आप, उसका जो वेट होगा, उसका मास कितना होगा, 20 किलो, सो 25 किलो डाल्टन, और इसका कितना होगा, 25 किलो डाल्टन, ठीक है। अब आगे देखिए, एनकोड बाई, इसको किससे एनकोड करते हैं, एलएचसी ए, और इसको किससे एनकोड करेंगे, एलएचसी सी बी। यहाँ पर देखिए ये आप लोगों को इक्वल दिख रहा है, बट ये क्या है, यहाँ पर ये जो डाइमरिक फॉर्म है उसकी मोनोमर यूनिट यहाँ पर ली गई है, और जो ट्राइमरिक फॉर्म है टोटल यहाँ पर दिया गया है। अरे बात समझ में, इसको किससे एनकोड करेंगे, एलएचसी ए, और इसको किससे एनकोड करेंगे, एलएचसी बी। अब आगे देखिए, पी एस फर्स्ट और पी एस सेकेंड, मैंने बताया था अभी, पी एस फर्स्ट और पी एस फर्स्ट इसको देख ले। पी एस फर्स्ट क्या होता है भाई, ये क्या करता है, रिएक्शन सेक्टर की तरह काम करेगा, किसके लिए, जो ये क्या करता है, 700 नैनोमीटर तक की लाइट को सेंस करता है। जो पी एस सेकेंड होगा वो क्या करेगा, 680 नैनोमीटर तक की लाइट को सेंस करेगा। इसके अंदर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट आ जाएगा, और इसके अंदर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकेंड आ जाएगा। अब पी ए 865, ये क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, कौन से के अंदर, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर। याद रखना, ये फोटोसिस्टम है, ये P865, और ये फोटोसिस्टम फर्स्ट है, ये फोटोसिस्टम सेकंड है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।